तरह से खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए मुल्क के बालाई इलाकों में और मैदानी इलाकों में दो दिन कबल होने वाली बारिशों के बाद जो है मुल्क भर में सर्दी के लहर में इजाफा हुआ है और उसका बराह रास्त असर जो है कराची पर भी पड़ा है और कराची में भी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई है और बिलखसूस शाम के वक्त और सुबह के वक्त तो बिल्कुल ही ठंडी हवा चलती है और वो लोग जो ऑफिस जाते हैं तो और बच्चे गाड़ियों में जाते हैं तो उनको सर्दी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये जो कराची के बाज़ार है बिलखसूस वो बाज़ार जो कि गर्म कपड़े जहाँ पर बिकते हैं पुराने कपड़े वहाँ पर रश बढ़ गया। इस वक्त मैं लाइट हाउस पर मौजूद, कराची का ये मशहूर लुंडा बाज़ार है, इसमें मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम दुकानें जो है वो खुल गई है और बड़ी तादाद में लोग भी पहुँच रहे हैं और वो गर्म कपड़े गर्म मलबूसात ख़रीद रहे हैं। यहाँ पर हर किस्म के गर्म कपड़े मौजूद हैं, कंबल वगैरह है, स्वेटर है, जैकेट्स है और अपर टाइप के हैं, तमाम किस्म के गर्म कपड़े मौजूद हैं। दुकानदार जो है उन्होंने तमाम माल जो है वो बाहर निकाल लिया है और लोग भी आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं और मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, ख़रीदारी कर रहे हैं। और दुकानदारों का कहना है कि ये हमारा सीज़न होता है कराची का, दो महीने ये सीज़न चलता है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।